नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ महिंद्रा कंपनी की एक जिंगो दवाई आती है जो ग्रोथ प्रमोटर है दाने की भराई में। आपको दो वैरायटी दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे 11-21 के दो खेत हैं। एक ये खेत है, आप देख पा रहे होंगे, और एक ये खेत है। दोनों ही खेतों के अंदर एक ये खेत है, इधर एक ये खेत है। इसके अंदर कोई जिंगो का इस्तेमाल नहीं हुआ, सेम डे पे लगे हुए हैं। और इसके अंदर जिंगो का इस्तेमाल हुआ है 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से गाभ्य की अवस्था में। इसकी हरियाली और आप देख सकते हो मेच्योरिटी, इसके अंदर अर्ली मेच्योरिटी आ गई है, पहले से ही पकना शुरू हो गया। ऊपर से पत्ता इसका लाल होना शुरू हो गया, और इसकी जो बाली है इसके अंदर इतना वजन भी नज़र नहीं आ रहा है। और दानों के अंदर देखो आप, रंग में भी डिफरेंस है, इसके अंदर काले दाने हैं। और इसका देखेंगे तो आप देखो, वजन भी है और रंग भी अच्छा है, दाना भराई भी अच्छा हो रहा है। ये देखिए, उसमें दाने काले हैं, और पत्ता कितना इसका हरा भरा है अभी तक। तो इसमें जो फसल है पूरा लास्ट तक बढ़िया तरीके से पकेगी। और ये है, ये इससे 7-8 दिन पहले ही पक जाएगी। ये अगले हफ्ते 7-8 दिन में ये पकने को पक गई है, बिल्कुल लगभग एक हफ्ते में और बिल्कुल मैच्योर हो जाएगी ये फसल। और इसमें जो है, इसमें दाना पक रहा है, दाना पका हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फसल का जो लान देखोगे आप, वो अभी पूरी तरह से इसका हरा भरा नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर जो है पूरे दानों में बढ़िया तरीके से दूध भराई होगी और वज़नदार दाने इसके हैं। इसकी अगर वज़न करेंगे हम 10-10 बाली होगा तो 2 से 3 ग्राम का इसके अंदर डिफरेंस आएगा इसके अंदर। तो इसको जिंगो दवाई को जो है, जब भी आपने इस्तेमाल करना है, इसकी इस्तेमाल करने की जो तरीका है वो गाभ्य की अवस्था के अंदर 1-2% या गाभा के अंदर जब निसलना स्टार्ट होती है, उस टाइम पे इसको स्प्रे करना है। आपके खेत के अंदर बालियों की लेंथ भी बढ़ेगी और नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे दानों के अंदर दूध भराई होगी। इसके अंदर आप किसी भी बाली के अंदर देख सकते हो, एक भी दाना कोई भी बीच में कहीं भी खाली नहीं है। और इसमें देखोगे आप, ये देखिए मेरे अंगूठे के पास, किसी भी बाली के अंदर उठाएंगे तो इसके अंदर दानों के अंदर ये देखिए खाली दाने, ये देखिए दानों की कितना इसके अंदर, ये देखिए खाली दाने, खाली दाने आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी हमारे को नज़र नहीं आ रहा है। देखो पूरे दाने में पूरी लेंथ लेगी अपनी, और दाने के अंदर पूरा इसके अंदर वजन बनेगा। तो जिंगो दवाई का जो इस्तेमाल करना है किसी भी फसल में, चाहे गेहूं है चाहे धान है, गाभ्य की अवस्था के अंदर इसको 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में स्प्रे करेंगे तो आपकी पैदावार में वृद्धि होगी। धन्यवाद।